हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैब मेघना। और आज जो वीडियो है वो है माय फेवरेट टॉप 5 हाइलाइटर्स। एंड ये सारी की सारी ड्रग स्टोर हाइलाइटर्स है, विद इन 500 आपके बजट में ही है। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल गाइज देन प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड लाइक बटन को ज़रूर दीजिएगा। इट गिव्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड इफ यू वांट टू शेयर माय वीडियो विद योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स देन इट्स अप टू यू। तो चलिए देखते हैं कि टॉप 5 हाइलाइटर्स क्या है मेरे पसंद के। सबसे पहले मैं बात करूंगी शिवाना हाइलाइटर की। ये हाइलाइटर ब्रिक है एंड ये काफ़ी साल पहले मैंने लिया था। द पिगमेंटेशन इज़ अमेजिंग। इसमें आपको ऑप्शंस भी काफ़ी सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। आई थिंक देर आर 4 to 5 ऑप्शंस एंड मैंने ये सिलेक्ट किया था। एंड दिस इज़ इनफैक्ट माय फर्स्ट हाइलाइटर एंड ये है 02 में। माई शेड इज़ इन 02 और मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे एक शैम्पेनी कलर है, यहाँ पे एक पिंकिश है, ये दो डीप एंड लाइट ब्राउन्स है एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ यू नो हल्का सा ब्राउन्स कलर है। इससे मैं मेटालिक आई मेकअप भी क्रिएट कर सकती हूँ और सबको मिला के यू नो ब्राउन्जिंग भी कर सकती हूँ। इफ़ यू आई वॉन्ट समथिंग अ शिमरिंग ब्राउन्जर और हाईलाइटिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। पिगमेंटेशन इज़ अमेजिंग, आई टेल यू गाइस। ये दो कलर्स मैं लेती हूँ, एक ब्राउन्स कलर भी ले लेती हूँ। यहाँ से देखिए थोड़ा सा मैंने लिया है एंड ये ब्राउन्स कलर देखिए कितना अच्छा है। मैंने थोड़ा सा लिया है एंड दिस इज़ ऑल्सो विद इन 500। इनफैक्ट मुझे जो याद है ये शायद 280 to 290 विद इन 300 आई थिंक ये आपको मिल जाएगी। मैंने इसे लिया था आई थिंक फ्रॉम अमेजन। यस, अमेजन से मैंने लिया था। आपको अभी भी वहीं से मिल जाएगी एंड लोकल स्टोर में ये मिलती है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट इट्स अमेजिंग। ये काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, तो अगर आप बिगिनर हो तो आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट हाइलाइटर दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ दिस मेकअप रिवोल्यूशन हाईलाइटर एंड दिस इज़ इन द शेड पिंक और इसका है शिमर ब्रिक पिंक किस इसका नाम है। एंड इसे मैंने मिंत्रा से लिया था और शायद तब मिंत्रा में कोई सेल या ऑफ़र चल रही थी। अभी भी आपको मतलब नायका में मिल जाएगी। मिंत्रा, जबोंग, हुक मेकअप से अगर आप ख़रीदना चाहते हैं वहाँ से, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मतलब काफ़ी जगह से आपको मिल जाएगी। स्टोर से मुझे नहीं पता कोई अलग सा मेकअप रिवोल्यूशन का स्टोर है कि नहीं इंडिया में कहीं पे भी। दीज आर द कलर्स एंड पिंक शेड्स में तो इतना अच्छा है। इसका भी पिगमेंटेशन इतना अच्छा है यार, मैं क्या कहूँ। मैं 3 कलर्स ले रही हूँ एंड आपको जस्ट दिखा रही हूँ। अब देखो, दीज आर स्टनिंग, आई मीन दीज आर स्टनिंग। मैं तो कहूँगी ये शेड स्पेशली फेयर टू यू नो मीडियम स्किन टोन पीपल के लिए अच्छा है, बट द शिवाना वन इज़ वेरी गुड फॉर ऑल स्किन टोन पीपल। तो पिंक शेड में कभी कभी मैं इसे एज अ ब्लशर भी यूज़ कर लेती हूँ। सबको श्रल करके मैं दिखाती हूँ ये कलर क्या आती है एक साथ। ये एक पिंकिश टोन में कलर देती है, आप देखो। तो अगर मेरा मन हुआ कि मैं हाइलाइटर नहीं यूज़ करना चाहती हूँ बट यू नो सिल्की स्मूथ काइंड ऑफ ब्लशर की तरह यूज़ करूँ तो मैं इसको उस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। सो दैट इज़ द सेकेंड वन। थर्ड वन आई विल से डेफिनेटली वेट एंड वाइल्ड की ये हाइलाइटर। इसे मैंने होक मेकअप से लिया है एंड मैंने वो हॉल वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था एंड ये काफ़ी सस्ता पड़ा मुझे होक मेकअप से। प्रेशियस पेटल, ये कोई दूसरा वाला था, वो नाम यहाँ पे नहीं मेंशन है तो मैं देख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी या फिर यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, आप लोग देख लेना। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पिंकिश रोज़ गोल्ड, मतलब इतना अच्छा हाइलाइटर है, मैं क्या कहूँ। दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट हाइलाइटर दैट आई हैव टिल डेट एंड काफ़ी सिल्की स्मूथ है। मैं इसका भी स्वॉच आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल लाइट पिंकिश टोन में आती है ना, इतना अच्छा लगता है एंड दिस विल सूट अगेन ऑल स्किन टोन पीपल। आपका स्किन टोन कुछ भी हो, डार्क हो, मीडियम हो, फेयर हो, दिस विल लाइक लुक एक्सीलेंट। नेक्स्ट हाइलाइटर जो चौथा है, जो फोर्थ हाइलाइटर है, आई विल टेल यू अबाउट दिस मेबेलिन मास्टर क्रोम बाय फेस स्टूडियो मेटालिक हाइलाइटर। दिस इज़ इन द शेड रोज़ गोल्ड। yes, this is rose gold, molten rose gold. इसमें और एक शेड था जो गोल्डनिश था लेकिन मैंने इसे लिया है एंड दिस अगेन लुक्स अमेजिंग. इनफैक्ट मैंने जब इसे लिया था मैंने कहा था कि जेफरी स्टार जो है ही ऑल्सो लव्स दिस हाईलाइटर. कैन यू थिंक अबाउट दिस दैट जेफरी स्टार सेज दैट दिस इज एज गुड एज एनी हाई एंड हाईलाइटर. ये भी काफ़ी सुंदर है और इसकी MRP 550 है लेकिन मैंने अगेन इसे मिंत्रा से नहीं नायका से लिया है सेल में एंड ये काफ़ी सस्ता पड़ा. एंड दिस इज़ द वन एंड इतना अच्छा है, इसका ग्लो इतना नेचुरल दिखती है येट इट इज़ बिल्डेबल. एंड आप मॉर्निंग में हो, इवनिंग पार्टीज़ के लिए हो, कहीं पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो. एंड जैसे कि मैंने कहा कि ये कलर भी सूटेबल फॉर ऑल स्किन टोन. लास्ट जो हाईलाइटर मैं कहूँगी वो है bomb.com हाईलाइटर एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी एंड इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे, एक शैम्पेन, एक गोल्ड एंड एक रोज़ गोल्ड. एंड आई टोटली लव दिस हाईलाइटर. दिस इज़ हाईलाइट एंड ब्रॉन्जर पैलेट. कहाँ गया है लेकिन इसमें ब्रॉन्जिंग नहीं होती है, अल्ट्रा ग्लो है. एंड ये है 01, इसमें 01 और 02 2 वैरायटीज़ में आती है एंड दीज आर द शेड्स. इनफैक्ट आज का ये जो लुक है मैंने मैक्सिमम इसी से क्रिएट किया है तो आई रियली लाइक दिस हाईलाइटर. कैन यू सी हाउ पिगमेंटेड दे आर. तो मैं यहीं पे आपको दिखाती हूँ स्वॉच. जस्ट लुक एट देम द शाइन. दिस इज़ द बेस्ट हाईलाइटर आउट ऑफ ऑल. लाइक इसको लगाने के बाद आपको मतलब नहीं लगेगा कि कुछ और चाहिए. दिस इज़ सो गुड. लिटिल बिट चंकी आपको लग सकता है इनिशियली बट फेस में आने से ये जब पैलेट में है ना तब ये काफ़ी शिमर्स आपको लगेगा कि चंकी है लेकिन ट्रस्ट मी, बिलीव मी, वंस यू अप्लाई दिस ऑन योर फेस दिस डजंट लुक्स चंकी सॉरी. एंड ये काफ़ी स्मूथ और अच्छा लगता है. ब्यूटीफुल शेड से ये 3 शेड्स मिला के आप आई लुक क्रिएट कर सकते हो एंड इससे आप अपना हाईलाइटिंग पाउडर तो यूज़ ही कर सकते हो. स्टेइंग पावर भी काफ़ी अच्छा है एंड इसका प्राइस नो डिफ़र करता है. कभी कभी फ्लिपकार्ट में एक प्राइस है, अमेज़न में एक प्राइस है और आपको नायका से भी मिल जाएगी. तो दिस डिपेंड्स अपॉन वेयर विच सेलर इज़ सेलिंग दिस. तो दैट इज़ द ओनली इशू अबाउट दिस हाईलाइटर. अपार्ट फ्रॉम दैट ये हाईलाइटर काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सस्ता है. 300 के भीतर आपको मिल जाएगी, कभी कभी तो आई थिंक 250 में भी मिल जाएगी. ये हाईलाइटर सो नाइस. सो आई थिंक इफ़ यू बाय दिस हाईलाइटर, अगर आप बिगिनर हो, मेकअप जंकी हो, हाईलाइटर पसंद करते हो लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, देन गो फॉर दिस हाईलाइटर एंड लुक एट द शाइन एंड लुक एट द ब्यूटी. सो आई होप यू हैव एन्जॉयड माई वीडियो और जैसे मैं कहती हूँ ऑलवेज कीप दैट स्माइल ऑन योर फेस एंड वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट video. So till then, take care and bye.